कश्मीरी पंडितों ने आज श्रीनगर में भेदभाव का आरोप लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सभी प्रदर्शनकारी एक स्वर में अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आमरण अनशन करेंगे। इस दौरान पुलिस ने उन पर लाठियां भी भांजी। कश्मीरी पंडितों ने पीएम के नाम एक खुला पत्र भी लिखा और अपनी मांगों और समस्याओं के बारे में उन्हें बताया। लाल चौक चलो का जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, हमारे इसमें छह चार्टर हमारी डिमांड्स रही हैं। इसमें विनोद जी ने पोरबंदर में भी एक अनशन किया था 15 दिन का, जिस पे स्टेट गवर्नमेंट ने ये आश्वासन दिया था कि हम जो आपकी डिमांड्स हैं इनको मान लेंगे, बट टिल डेट हमारी डिमांड कोई भी नहीं मानी गई है। और आज का जो ये प्रोटेस्ट है, हम गवर्नमेंट को दिखाना चाहते हैं कि जो हम ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो है जेन्युइन हमारी छह डिमांड्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, जिसमें हमारी डिमांड ये पहली है कि जो टेम्पल एंड श्राइन बिल है उसको पास किया जाए। दूसरा है जो ओवर एज्ड यूथ है, दोज हु आर लिविंग इन वैली, उनको एक एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया जाए। नंबर तीन, शारदा माता जो यूनिवर्सिटी थी, शारदा पीठ यूनिवर्सिटी यहाँ पे थी पहले कश्मीर में, उसको फिर से रिएस्टेब्लिश किया जाए। पासपोर्ट लेके आप चाणक्यपुरी पाकिस्तान हाई कमीशन जाइए और वहाँ पे जो यहाँ के मीडिया ने भी अच्छा उसमें सहयोग किया था, आप पाकिस्तान जाइए और शारदा माता जो पीओके है वहाँ पे जाइए। तो हमने कहा दिस इज द आल्सो ह्यूमन राइट्स वायलेशन, क्योंकि हम अगर सो कॉल्ड लाइन ऑफ ट्रेड चल रहा है, ये तो सो कॉल्ड तब तक है जब तक कश्मीरी पंडित जो कश्मीरी का हिंदू यहाँ का राजपूत भाई जो वहाँ जाना चाहता है, अगर हिना रवानी ने भी कहा कि शारदा मंदिर खोल दिया जाए, अगर पिछली सरकार में नवाज शरीफ ने कहा जब अटल बिहारी वाजपेयी हम, लेकिन आज तक हमें शारदा माता जो 47 से बंद है, कश्मीरी हिंदू को वहां जाने की इजाजत नहीं है, ये दोनों सरकारों पे शर्म है और उनके लिए लानत है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।